हम पंडित जी जाहे खाट कदी मारा बाबा है खाट कदी होई है। और तीसरी बात ये है, तुम्हें मारने वाला जयपुर के अंदर पैदा हो गया है। क्या कहा, क्या कहा कि हमारी बेटी हमारे सामने कत्तारी मेरे कुल में कैंक लगाएगी और हमारा दोस्त हमारे साथ में पत्थरी करेगा और हमें मारने वाला जयपुर के अंदर इस जयपुर के अंदर क्षण तू ब्राह्मण नहीं ढोंगी है ढोंगी। अरे तू ब्राह्मण नहीं ढोंगी है, तेरी बातों से लगता है कि तू कमाई के लिए पति पत्र लिए घूम रहा है। निकल जा, निकल जाएंगे मेरी दक्षिणा दे तो हम निकले यहाँ से। सच्चाई है किसी दिन देखना है मेरी भविष्यवाणी बता रहा है, मेरा पत्रा बता रहा पंचांग पत्र है, कोई झूठा मोटा पत्रा नहीं है। और दक्षिणा मेरी दे तो मैं निकलू, दक्षिणा ले चाहे कितने पैसे पहले से कम 551 रुपये ₹551। ऐसा कर तो जाकर के लाज पहले में ओ राजी चले गए और यहां अगर मैं तुझे दक्षिणा देने लगूंगा तो तेरी झोली संभाल में नहीं। सगरे किससे कोई सिक्का सिक्का दिया हो ना तो समझिए नहीं तो उन्हें दूसरे को लाओ करी। चलो यानी तुम्हारा कहने का मतलब है राज दरबार चले जाओ महारानी पारे चले दो जाके। हाँ जा रहे हैं बाबा जी, मैं तो चले से ये तीन बातों को सुन करके मैं चाहता हूं कि एक कम आग भी मैं आग लग गई। पहला प्रश्न पंडित जी ने बताया कि आपकी बेटी एक दिन तुम्हारी नाक कटवाएगी और दूसरी बात ये पंडित जी ने बताया कि तुम्हारा दोस्त एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गद्दारी करेगा। आज तीसरी बात एक जब राजधानी में तुम्हें मारने वाला पैदा होगा। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, जब तक तुम्हारा दोस्त सौदर सिंह जिंदा है मैं तुम्हारे शरीर तक आज तक नहीं आने दूंगा। ऐसा कौन समय का लाल इस जयपुर में जन्म ले लिया है। लेकिन मेरे दोस्त सागर अरे बोलकर आने से पहले हम उस वृक्ष को ही काट देंगे या उस वृक्ष में पहले फैलाएंगे। अब हमारा फरमान होगा और तुम्हें करना होगा। Yeah.